इधर वापस आ जा गंदे सड़े हुए भालू। तो यहाँ छुपे हो तुम सड़े हुए भालू, कड़बक कड़बम्बे बो 80-90 पूरे 100। बाहर निकलो वरना तुम्हें उड़ा दूंगा। मुझे वो नहीं देख सकता, अभी मुझे वो नहीं देख सकता। मुझसे पंगा लोगे तो याद रखना मैं तुम्हारी क्या हाल कर सकता हूँ। भाई भाई मुझे बचाओ, टकला लक्का मुझे मार रहा है भाई। ये क्या हो रहा है भाई, मुझे बचाओ भाई। भाई वो मेरे पीछे पड़ा भाई, बंदूक लेकर यहाँ से वहाँ भगा है भाई मुझे। अभी वो कहाँ है? और कहाँ होगा, पूरे जंगल को तबाह कर रहा है वो। अब तो इसने हद पार कर दी है, पर कोई चिंता की बात नहीं, मेरे पास उसके लिए एक बढ़िया तरकीब है। भाई क्या ये आपके हथियार है? वाह कितने अच्छे हैं। ये हथियार मुझे दे दो, फिर जाकर मैं उस लक्का की वाट लगा दूंगा। पता है प्लान क्या है? नया दिन नया जंगल है। सारे के सारे जंगल में ही काट दूंगा। अरे लीचड़ भालू, तूने तुझे मार ही दिया था। ये तो मेरी तस्वीर है। इस सब का क्या मतलब है? तुम्हें जंगल देख रहे हो, वहाँ पर टोपी पहनना मना है। अगर तुम्हें अंदर आना है तो अपनी सड़ी हुई टोपी उतार दो। टोपी? तुम टोपी पहनकर अंदर नहीं आ सकते। अपनी टोपी उतार दो जैसे इसमें दिख रहा है। क्या लगता है ये मेरे गंजे सर का मजाक उड़ाना चाहते हैं? क्या तुम पागल हो गए हो? हाँ ये टोपी मेरे वर्दी का हिस्सा है, सवाल ही नहीं उठता कि मैं इसे उतार फेंक दूँ। समझ में आया तुम्हें? और वैसे भी ये टोपी मुझे बहुत पसंद है। क्या है? मेरी टोपी कहाँ गई? मेरी टोपी कहाँ चली गई? मैं आज ही नहीं खरीदी थी वो। मेरी टोपी टकला गिर गया। अरे कहाँ गई मेरी टोपी? हमारे पास तुम्हारे लिए एक टोपी है, इसे पहन कर देखो। मधुमक्खियाँ! अरे बचाओ, ये हर बार मेरे सर में मधुमक्खियाँ क्यों छोड़ देते हैं? ओ चलो कम से कम दोनों भालू आसपास तो नहीं है। इधर का उधर का मैं भी तेरा, वड़ा पाव मेरा, वड़ा पाव में चटनी कम हो तो मिर्ची के साथ खाना चाहिए। मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। सारे लोग इधर आ जाओ मेरे पास गाओ। वाह वाह ही या आ,
बम्बई में आओ, पुणे में जाओ, सब तरफ घूमो। भाई आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? लगता है ये हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं ये क्या चाहता है। ये भारतीय नागरिक अब अंदर जाएगा, क्या तुमको समझ में आया? एक हिंदुस्तानी, पहचान पत्र। हाँ? क्या ये चाहता है कि हम इसके हिंदुस्तानी होने पर विश्वास कर लें? ये मेरा हिंदुस्तानी होने का सबूत है। माफी चाहते हैं, इस जंगल में कोई टोपी पहनकर नहीं आ सकता। हाथ हो गई, अब ये कायदा किसने बनाया? माफ कर दो, कायदा आखिर कायदा ही होता है। टोपी पहनकर कोई भी अंदर नहीं आ सकता। हाँ, कायदा मैं सिर्फ अपना कायदा मानता हूँ। चलो हटो बाजू में। वो देखो क्या है? मेरी टोपी वापस दो। हाथ हो गई। अरे मेरी टोपी दे वापस। तुम्हें मालूम नहीं इसके बदले में क्या कर सकता हूँ? क्या तुम्हें पता नहीं बंदूक बहुत ही खतरनाक हो सकती है? तुम्हें अपनी आरी का इस्तेमाल करना चाहिए। टकला लका जंगल में ले जाएगा, टकला लका जंगल में ले जाएगा। अरे बचाओ, भागो यहाँ से, कभी दिखाई नहीं देना। कितना मजा ये क्यों सुनाते हैं? डब्लू वो मुझे दे दो, ये गन कोई खेलने की चीज नहीं है। मैं तो ये कब से करना चाहता था। भाई मैंने बंदूक चलाना सीख लिया। डब्लू ये तो कुछ नहीं था, अब तुम मेरे कर्तव्य देखो। अब देखना मैं कैसा निशाना लगाता हूँ। हाँ, ये कहाँ चला गया? हाँ, यही कहीं आसपास होगा। हाँ, कहाँ गया वो? हाँ, हाँ, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। हाँ, लखा तुम? अब तुम्हें बताता हूँ मेरे टोपी के साथ खेलने का अंजाम क्या होता है। मुझे माफ कर दो। तुमको रहम की भीख मांगते हो, बहुत सुकून मिल रहा है, लेकिन तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। तुम्हें समझ में आया कि नहीं? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मुझे माफ कर दो। पता ही लगा इस पर लिखा कि तुम टोपी नहीं पहन सकते। मेरे पास और भी है, ये ले। देखो तो तुम्हारे पास कितनी टोपी है। अरे चल भाग भी मोटे, तेरे पेट में छेद कर दूंगा। हाँ तुम्हें कहा था। गोली मत चलाना। मैं हर बार इनसे हार क्यों जाता हूँ? अपनी टोपी संभालो या तो इस जंगल को छोड़ दो।